अच्छे रतन लेके भाग जाए। जिला प्रशासन और पुलिस शासन को तत्काल उस मांग को मान लेनी चाहिए और तीन पत्रकारों को तत्काल रिहा करना चाहिए और जो भी पत्रकारों पत्रकारों को सच का सच को दिखाने वाले पत्रकारों के ऊपर जो दमन की कार्रवाई करने वाले सभी अधिकारी हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसको लेकर के निर्णय किया गया है कि अभी प्रदर्शन के कार्यक्रम के बाद पत्रकार साथी रुकेंगे और एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद जो निर्णय किया जाएगा कि लड़ाई की धार को किस तरीके से भेज दिया जाए। मेरा स्पष्ट मानना है कि बलिया क्रांतिवीरों की धरती है, इस धरती से आंदोलन को लेकर के निकली चिंगारी को आज तक कोई रोक नहीं सका। आज़ादी की आंदोलन से लेकर के आप देख ले इमरजेंसी के आंदोलन कभी भी बलिया से निकली आवाज़ को कोई रोक नहीं पाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान सरकार और वर्तमान जिला प्रशासन पत्रकारों की लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल प्रशासन को आत्मसमर्पण करना होगा, हमारी मांग को माननी होगी। नहीं मांगेंगे तो आप जानते हैं कि बलिया से निकली यह चिंगारी राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण कर चुकी है। राज्यपाल को कोई पत्र भी देने वाले हैं? आज हम लोग राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि पत्रकारों की तत्काल रिहाई की जाए, पत्रकारों के खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे किए गए उसको वापस लिया जाए, जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। काली पट्टी क्यों बाधे हैं? काली पट्टी इसलिए बाधे हैं कि पत्रकारों के ऊपर मीडिया के ऊपर जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा दमन की कार्रवाई की गई है उसके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने विरोध का इजहार कर रहे हैं। हम इस काली पट्टी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बलिया के पत्रकारों ने यह तय कर लिया है कि अब वह अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आ गए हैं। हमें कमज़ोर न समझें, बलिया के पत्रकारों ने आज एकजुटता और एकता का जो परिचय दिया है आप देख रहे होंगे कि सारे पत्रकार संगठन हर मीडिया संस्थान से जुड़े हुए कलमकार आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। देश के लिए लड़े और देश में जब तानाशाही पनपने लगी उस युग में भी हमारे गांव के लोक नायक प्रकाश नारायण ने तानाशाही का जवाब दिया, सत्ता तक पलट कर दिया, ऐसा हमारे लोक नायक प्रकाश नारायण थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये कर्म के जो सफाई है इनको बेवजह ना तो परेशान किया जाए ना इन्हें टारगेट किया जाए। हमारे जो पत्रकार साथी जेल में बंद हैं उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। उन्हें सबों के साथ सभी को प्रणाम धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर जो FIR दर्ज किया गया है बलिया जिला में पेपर लीक मामले में, उसके लिए सभी पत्रकार बंधु आज कचहरी के भीतर जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आप लोग धरने पर आकर बैठे हमारी अगर नहीं आपके समस्त साथियों का अनुरोध है कि आपसे कहा जाए माइक से कि आपका बैठे खड़ा होने पर आपकी संख्या बल वैसे ही कम है और कम दिखाई देगी कि आप चाहते हैं कि आपका वजह से कमजोर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंदोलन आपके खड़ा होने से कमजोर हो जाए तो आप खड़ा रहिए, हमको कोई दबाव नहीं देना है। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपका आंदोलन मजबूती से आगे बढ़े और आपके आंदोलन में अन्य लोग भी आकर शिरकत करें तो आप इस जगह पर लंबे को बैठ जाइए और आवाज बुलंद करिए कि हमें पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग आंदोलन करने वाले अभ्यस्त लोग नहीं है कि हर महीने हर रोज हमको आंदोलन करना है। ये तो बाध्य कर दिया जिला प्रशासन ने हमको उतरने के लिए, उतर कर लड़ने के लिए, वरना हम तो दूसरे की क्रांति को फैला के रखते हैं। अब तो आपने मजबूर कर दिया है कि हम खुद क्रांति करें। हर नया आदमी अपने को बदल देता है,
वक्त का हर तीर निशाने को बदल देता है। डीएम साहब, वक्त का हर तीर निशाने को बदल देता है। लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, मर्द वही होता है जो जमाने को बदल देता है। हम लोग यहाँ डीएम साहब को बताने, चेतावनी देने नहीं आए हैं, बस ये बताने आए हैं कि हम वो सब गुण जानते हैं जिससे कि जिलाधिकारी बुलाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, पुलिस अधीक्षक बुलाए जाते हैं और हटाए जाते हैं। आपने हमको मजबूर कर दिया उतर करके अपना हुनर दिखाने के लिए। हमको मांगना होगा तो आपका सर मांगेंगे, हम छोटे मोटे सिपाहियों का सर क्यों मांगेंगे? हमको मांगना होगा तो पुलिस अधीक्षक का सर मांगेंगे, हम छोटे मोटे सिपाहियों का सर मांगने वाले और कलम करने वाले नहीं है। आप अगर दिलेरी दिखाए होते, बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बंद कर दिए होते तो शायद ये आंदोलन नहीं होता, लेकिन आपने गलती कर दिया कि छोटे छोटे पत्रकारों को पकड़ के बंद करना शुरू कर दिया, हमको मजबूर कर दिया। और हम क्रांतिकारी बलिया के लोग हैं, वैसे भी क्रांति हमारे रंग में बढ़ती है और क्रांति की इस अलग को जगाने के लिए बेलदार रूप से चल कर आए हैं। संचालनकर्ता भाई मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला मुख्यालय से लेकर के तहसील और ग्रामीण अंचल से उमड़े सभी प्रकार साथी, आज का दिन बलिया के पत्रकारों के इतिहास में स्वाक्षरों में अंकित किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि क्रांतिवीरों की इस धरती पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ का नारा गुंजायमान हुआ था और संघर्ष से ही हम लोगों ने आज इस संघर्ष का संघर्ष किया। आखिर कलम के सिपाही को इस तरह का कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों वहां पड़ी? ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई? हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसे बताया, मैं कुछ बातें अवश्य रखना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रशासनिक जाति का शिकार हुए अमर उजाला के कर्मचारी पत्रकार अजीत कुमार ओझा ने, बलिया कोतवाली मीडिया को जो बयान दिया उस बयान को आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं अपने कार्यालय में बैठा था, मेरे पास शिक्षा विभाग के अमुक अधिकारी का फोन आया, उसके बाद जिला प्रशासन के अमुक अधिकारी का फोन आया, उनके कहने पर मैंने यह किया। सिटी मजिस्ट्रेट का FIR बाद में पंजीकृत होता है, लेकिन उससे पहले बलिया पुलिस रहे। क्या यह प्रूफ नहीं है कि इस जिले में एडेड विद्यालयों से 1.5 गुना से अधिक संख्या में वित्तहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया और हर एक वित्तहीन विद्यालयों से 1.5 लाख 2 लाख रुपए की वसूली की गई? मैं जिला प्रशासन को खुला चुनौती देता हूँ, जिला विद्यालय शिक्षक के नंबर, उनके इर्द गिर्द के कारखानों के नंबर का आप चेक करा लीजिए, पड़ताल करा लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि परीक्षा के दौरान अधिकारियों ने वित्तहीन विद्यालयों के संचालकों से कहा कि हम लोग भवकार मना रहे हैं, बनाते रहने दीजिए, आपको इतना रुपया हमें दीजिए। तो जब जिस महकमे के ऊपर नकल को रोकने का ही पूरा दावेदार है वही महकमा भ्रष्ट होकर के और पैसा वसूलने में लगा हुआ है तो आप फिर परीक्षा की सुचना की बात कैसे करते हैं? मैं जानना चाहता हूँ जिला प्रशासन से लेकर के प्रदेश शासन के उच्च पदाधिकारियों से, परीक्षा के निर्धारण के लिए समिति बनी है जिला से लेकर के मंडल और प्रदेश स्तर, आखिर क्या कारण है कि बलिया जिले में एडेड विद्यालयों को 300-400 छात्र आवंटित किए जाते हैं और वित्तहीन विद्यालयों को 600-700 छात्र आवंटित किए जाते हैं? दूसरी बात डाल दें, पहली बार आपको यह पता लगा जो प्रचार था रूढ़िवादी प्रचार, इसी को यह प्रचार होता था। क्या होता था? हम चौथे स्तंभ हैं, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद अगर इस देश का कोई
अगुआ है, व्यवस्थापक है, समाज को चलाता है, देश को चलाता है, तो हम पत्रकार हैं। आज यह घमंड भी हमारा टूट गया कि हम चौथे स्तंभ कुछ नहीं होता, केवल हमें बरगलाया जाता है, ये है मालिक, इनके खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा। चौथी बात डाल देते, जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, लड़ने वाला आदमी दो विकार को जब छोड़ेगा तो संघर्ष तेज करेगा। पहला विकार क्या है? लोभ लालच को छोड़ दे। दूसरा विकार क्या है? कायरता को बने रख दे। कायरता छोड़कर, लोभ लालच छोड़ करके और संघर्ष में जब संघर्ष करने वाला आदमी यह दो गुण लेता है तो संघर्ष कर पाता है, और ये काम हमको करके दिखाना है। तीसरी बात हम कहेंगे, हमारी अपनी कमियां जो है, हम जितने किस्म के नकारात्मक लोग थे, ये ठीक है, प्रेस का ऊपर से दबाव है, हमें विज्ञापन दीजिए, हम अगर आम जनता के सवाल को लेकर लेखनी चलाते हैं, उनके अन्याय को लेकर के प्रेस में देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, तो उसमें दिक्कत क्या खड़ी होती है? ऊपर से होता है कि ये भाई विज्ञापन देते हैं, बड़े आदमी है, शासन सत्ता के आदमी है, शासन प्रशासन के आदमी है, इस तरह मत लिखा करो, उन्हें तो निकाल देंगे। यानी हमारी मेहनत पर, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो चलता है और उनके मालिकान करोड़ों अरबों कमाते हैं, सामाजिक हैसियत प्राप्त करते हैं, राजनीतिक हैसियत उनमें भी अपनी पोजीशन कायम करते हैं, और हमें क्या मिलता है? हमें या तो ढिगारी दी जाती है या केवल चार आने पैसे देकर हमारा शोषण किया जाता है। इसलिए मित्रों ध्यान रखिए, आज इस लड़ाई से सबक लेकर और आगे लड़ना है तो पहले तो चरित्र बदलाव हमें करना पड़ेगा। इस शासन प्रशासन के जो लोग हैं, चाहे राजनेता हो, चाहे ठेकेदार हो, बड़े लोग हो या कलेक्टर एसपी हो, इनके पर बैंड लगाना पड़ेगा कि आगे से हम इनके पक्ष में नहीं चलेंगे, हम इसका विरोध करेंगे। पहले तो हम आपको ये करना पड़ेगा। नंबर दो बात, लड़ने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, और यहीं पर हम आपको बता दें, हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता आपको आपको ही महसूस हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, या तो आपने हम लोग के साथ आपके इधर बैठी है, या अपना जो आदमी वर्क में लगे हैं, लोग यहाँ आए हुए हैं और